अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की तमाम कंपनियां बुरे दौर से गुजर रही है। रिलायंस कैपिटल एक बार फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए इंटरेस्ट का भुगतान करने में असफल रही है। इंटरेस्ट का भुगतान 21 फरवरी को करना था, जो कंपनी नहीं कर पाई। ये लगातार 49वां मौका था जब रिलायंस कैपिटल डिफॉल्ट हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर तिमाही रिजल्ट में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी के ऊपर 14,827 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का बोझ है। कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए एसेट मोनेटाइजेशन यानी संपत्ति बेचने की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए बोलीदाताओं से बातचीत जारी है। कंपनी ने पिछले दिनों अपनी संपत्ति को बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI भी मंगवाया था। फिलहाल किसी भी डील पर अभी तक आखिर मुहर नहीं लग पाई है। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल पर कर्ज का भारी बोझ है। कंपनी ने 31 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2021 के बीच HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के 11 किस्तों का भी भुगतान नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी को हर महीने 4.77 करोड़ HDFC को और 71 लाख एक्सिस बैंक को केवल इंटरेस्ट के रूप में भुगतान करना है। रिलायंस कैपिटल ने HDFC बैंक से 524 करोड़ और एक्सिस बैंक से 101 करोड़ रुपए का लोन लिया है। HDFC बैंक का इंटरेस्ट रेट 10.60% है, जबकि एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट 13% है। रिलायंस कैपिटल पर बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कुल कर्ज 706 करोड़ रुपए का है। और अगर हम टोटल लोन की बात करें तो कंपनी पर 20,511 करोड़ रुपए का लोन है। दिसंबर तिमाही का रिजल्ट सामने आ चुका है और दोस्तों, इस तिमाही में कंपनी का कुल 4,018 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी को पिछले साल के सेम क्वार्टर में महज 135 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कर्ज भुगतान के मामले में कंपनी की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केयर रेटिंग एजेंसी ने सितंबर 2019 में रिलायंस कैपिटल ने 17,000 करोड़ कर्ज को डी ग्रेड यानी डिफॉल्ट में डाल दिया था। तो दोस्तों, कुछ ऐसी हालत है रिलायंस कैपिटल की। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।